वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, टाइमिंग भी देखेंगे, ओके? और कौन है वो इंसान, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं आज हम, ठीक है? तो सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। आपकी मैरिज प्रेडिक्शन आज होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में आज हम पूरा जानेंगे। सो ये एक थाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, माय अदर टू यूट्यूब चैनल जिनका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, सारी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके? सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। आपको अपने नाम का, जो आपका ऑफिशियल नेम है, जो हर जगह यूज होता है, उस नाम का पहला अक्षर आपको चूज करना है, ठीक है? तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ओ बी एम के ए आई एक्स डब्ल्यू टी सी क्यू एस या डी है तो आपको फर्स्ट कार्ड चूज करना है इटर्नल सोल, ओके? कैन सी दिस हाउ ब्यूटिफुल इट इज। एंड अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एफ एन एल पी ई जे वाई जेड जी आर यू वी या एच है तो आपको सेकेंड कार्ड चूज करना है जिसका नेम है इनकरेजमेंट, ओके? सो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हु यू गोना मैरी एंड व्हेन विल यू गेट मैरिड। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ओ बी एम के ए आई एक्स डब्ल्यू टी सी क्यू एस या डी है और आपने इटर्नल सोल कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी। सब डिटेल में देखेंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो क्योंकि ये टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज एक्सेट्रा। और मेरे बाकी दो चैनल्स पर भी आप ज़रूर विजिट करें जिनका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, वहाँ पर भी आपको तरह तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको क्लेम करने की इच्छा है तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, ओके? और अगर आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में या कुछ रेजोनेट हो रहा है कुछ, तो भी आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा फील होगा, ओके? सो ज़रूर शेयर कीजिए। सो या, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ओके? सो या, सो चलिए अब शुरू करते हैं, ओके? इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ओके? सो देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं और आप, मतलब चाहे आप दोनों दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बात हो या ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल इस लेवल का रहेगा कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर आप कितने बिजी हो, नो मैटर कितने लोग आपके आसपास हैं, कितने लोग यू नो अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग और यू नो इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपके आसपास है, कौन आपको अप्रोच कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, आप दोनों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्रति रहेगा और हमेशा एक पुल फील करोगे। मतलब बार बार चाहत होगा कि आपसे बात करना, आपको देखना, आपके पास रहना, ठीक है? अगर दूर दूर हो, लाइक आप दोनों अपने अपने वर्क प्लेस में गए हो, तो भी आप दोनों का मन नहीं करेगा उस वर्क प्लेस में रहने का, आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी जल्दी काम निपटाकर घर वापस जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। से एक अटूट कनेक्शन, जहाँ पर अगर दूर भी रहोगे लेकिन एक दूसरे के जहन में आप दोनों ही रहने वाले हो, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ओके? सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी देख लेते हैं, ठीक है, कि पर्सनैलिटी वाइज कैसे होंगे, नेचर वाइज कैसे होंगे। वी हैव वीनस, वीनस वी हैव कैप्रिकॉर्न, ओके? सो देख लेते हैं पर्सनालिटी वाइज, नेचर वाइज कैसे होने वाले ये पर्सन। सबसे पहले चीज़, ये पर्सन इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है? इस पर्सन की नेचर इस तरीके से है कि इंसान मटेरियलिस्टिक है, इनको ऐसा फील होता है कि यू नो लाइफ में हर एक चीज़ एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, एंड ओके? सो ये सारी चीज़ों में इनका ध्यान रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान जो है
ग्राउंडेड रहते होंगे, ठीक है, यानी कि इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, मतलब जो चीज़ रियलिटी है लाइफ की उसको ये अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है ये पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनती है, ठीक है, जो भी करना है खुद से करना है, खुद से पाना है, अपने एम्बिशंस को पूरा करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फियरलेस है, मतलब बोल्ड पर्सन है, ठीक है, जो भी करना है मैं अकेले कर लूँगा कर लूँगी, ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान हमेशा रहते हैं, ठीक है। किसी से कोई डर नहीं, किसी से कोई फियर्स नहीं, इनसिक्योरिटीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन ये इंसान है, खुद के कामों पे, खुद के अपने आप पर बहुत विश्वास है इनको, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नेचर वाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा डिसीजन दे सकते हैं लोगों को, यानी कि लोग अगर ये कुछ कहेंगे, कुछ गाइड करेंगे और लोग अगर उस चीज़ को यूटिलाइज करते अपने लाइफ में, तो उनकी लाइफ बदल सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास भर भर के हैं, ठीक है, पढ़ाई की नॉलेज या कोई न्यूज़ सुन लिया ऐसा वाला नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज इस पर्सन को है अपने लाइफ से भी रिलेटेड, बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर वीनस है। इस पर्सन की नेचर ऐसा होगा जिसको ये चाहेंगे, जिसको ये प्यार करेंगे, उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन जिनको पसंद नहीं करेंगे या जिनके साथ इनका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, उनको मतलब ज़िंदगी में जगह तो दूर की बात है, मतलब उनको नोटिस तक नहीं करेंगे, उनके सामने से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे वो उन्हें कभी जानते ही ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दे रही हूँ बस, कि आपका और आपके सिबलिंग का हो सकता है कि बनता नहीं है, ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को उस बारे में पता चला एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके सिबलिंग के साथ, यानी कि ये उनके ब्रदर या सिस्टर इन लॉ होने वाले हैं जो, उनके साथ इनका बनेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, इनको एक दिन भी पूछेंगे तक नहीं कि आप कैसे हो, कहाँ हो, या मतलब यू नो जैसे रिश्ता बनता है फैमिलीज़ में, तो वो बिल्कुल इग्नोर ही कर देंगे कि एग्जिस्ट भी करता है कोई। इस तरीके की पर्सनालिटी इस पर्सन की होने वाली है, मतलब जिनके लिए है उनके लिए हमेशा के लिए है, लेकिन जिनके लिए नहीं है उनकी फिर वो कुछ भी कर ले उनको इम्प्रेस नहीं कर सकता कोई उन्हें, ठीक है, या फिर कोई उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता और वो मन मारकर कुछ भी नहीं करते होंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान है जिनकी छाया, मतलब इनकी छाया अगर जिस पर पड़ती है वो इंसान या तो बिखर जाता है या फिर सवर जाता है, ठीक है। आई मीन टू से इसकी लाइक इस पर्सन के पास कुछ पावर है, ठीक है, हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, ज़रूरी नहीं, बट हाँ, लेकिन हाँ जो भी चीज़ है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि या तो अच्छा या तो बहुत बुरा, इंटरमीडिएट स्टेज इस पर्सन का नहीं है कि हाँ अच्छा बुरा मिक्स मिल जाए, नहीं, बुरा तो बहुत बुरा, अच्छा तो बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसी इस पर्सन की पर्सनालिटी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत शातिर है, ठीक है, इनको स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, और कहाँ पे किसके साथ कैसे जुड़ना है इनको बहुत पता है, फेस रीडर हो सकते हैं इंसान, लोगों को भांप लेते हैं देखकर ही कि ये सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी इनकी इस तरीके से होगी। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आउटर अपीयरेंस कैसे दिखेंगे वो, ठीक है, मतलब ग्रूमिंग या आउटर अपीयरेंस कैसा होगा, ये तो उनकी पर्सनालिटी एंड नेचर था। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, द टावर। ओके, सो इस पर्सन की आउटर अपीयरेंस गाइस, सबसे पहली चीज़, ये इंसान एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चाहे किसी भी जेंडर के इंसान हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूथफुल, जो भी इनका एज है उससे यू नो 5 साल या 10 साल पीछे ही ये इंसान दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेबी फेस इनका हो सकता है, चाइल्ड लाइक फेस हो सकता है, या फिर यूथफुल, मतलब इनके शक्ल से कोई बता नहीं सकता कि इनका इतना इतना एज हो सकता है, मतलब जितना उससे कम ही लगते होंगे, ठीक है। और इनकी जो आउटर अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग, ठीक है, अलग तरीके का हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल होंगे या फिर सिर्फ फॉर्मल्स में रहेंगे, सो नो, इस इंसान की आउटर अपीयरेंस बहुत यू नो लाइक ईमो लुक जैसा होता है ना, ईमो लुक होता है, गॉथिक लुक होता है, ठीक है, कुछ मतलब अनरियलिस्टिक था आउटर अपीयरेंस, मतलब अलग तरीके से इनको सजना पसंद है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इनका ग्रूमिंग स्टाइल चेंज होते रहता है, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ, हेयर स्टाइल्स चेंज करते रहते होंगे, कलर्स करवाते रहते होंगे, ठीक है, पियर्सिंग, टैटूज, ये सब भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा रह सकता है, ज़रूरी नहीं बट हाँ, ठीक है। सो इस पर्सन का कोई एक यू नो फिक्स स्टाइल नहीं है, ठीक है, कि मैं ये पहनता हूँ तो मैं यही पहनूंगा या पहनूंगी, ऐसा मैं सचती हूँ सचता हूँ तो ऐसे ही सचूंगी, ठीक है। इनके एक इनके मतलब चेंज होते रहते हैं इंटरेस्ट, आउटर अपीयरेंस की बात करूँ, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब इनके आउटर अपीयरेंस इस तरीके से है कि कोई भी अगर देखे तो वो 2-3 दिन तक इनके बारे में सोचता रहे, ठीक है। मतलब कोई भी अगर इन्हें रास्ते में भी कोई इन्हें देख ले तो फिर वो इंसान अट्रैक्टेड हो जाता है तुरंत, इंस्टेंटली, ठीक है। और फिर उस इंसान के दिमाग में ये इंसान रह जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। गुड लुकिंग होंगे, उसके साथ ग्रूमिंग करते हैं, उसके साथ जो इनका जो ड्रेस सेंस है वो बहुत कमाल का है और बहुत यूनिक है, ठीक है। मतलब लोगों को फॉलो नहीं करते हैं कि इसने ये पहन लिया तो मैं भी ऐसा कॉपी करती हूँ, स्टाइल या करता हूँ, ठीक है। वो अपना इनका एक यू नो स्टेटमेंट है, इनका अपना एक लेबल है, लेबल हो सकता है कि है खुद का हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं। बट हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रेस्टीजियस एंड बहुत ज़्यादा लैविश आउटर अपीयरेंस इस पर्सन का है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ये इंसान फेयर कम्प्लेक्शन के होंगे, ज़्यादातर मुझे फेयर ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा डार्क एनर्जीज नहीं है, फेयर कम्प्लेक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिमेट्रिकल बॉडी होने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब हाथ पैर बहुत सिमेट्रिकल, फिंगर्स बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। सिमेट्रिकल मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे वीनस है, ओके, सो वीनस मीन्स सिमेट्री। तो आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो बॉडी होगी वो बहुत सिमेट्रिकल होगी, आईज एकदम इक्वल, आईब्रोज एकदम इक्वल, ठीक है, फेस का जो शेप है वो इक्वल, एक साइड अलग दिख रहा है और एक साइड अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे, जो बोन्स होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। सो ये एंड सॉफ्टर साइड में ये इंसान होंगे, ठीक है। ज़्यादा सॉफ्टर भी नहीं, सॉफ्टर टू फिट, ठीक है, ज़्यादा थुलथुले टाइप के नहीं होंगे, फिट ही होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओके। एंड यूथफुल होंगे डेफिनेटली, ओके। हाइट इनका मीडियम टू टॉल, मेल होंगे तो टॉल, फीमेल होंगी तो भी टॉल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और मेल होंगे तो मीडियम होगा, ठीक है, हाइट। एंड तरह तरह के, जैसे मैंने बताया कि पहनने का बहुत ज़्यादा इनको शौक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके चीक्स बहुत प्रोमिनेंट क्यूट हो सकते हैं, हो सकते हैं पिंक अंडर टोन हो, मतलब गोरे हैं बट उसके साथ पिंक पिंक मतलब दिखता है, ईयर्स, चीक बोन्स, नोज पिंक पिंक रहता है, ठीक है, अंडर टोन इनका पिंकिश हो सकता है। सो यस, ये इनके आउटर अपीयरेंस नज़र आ रही है, ठीक है। स्टोन बहुत ज़्यादा वेयर करते होंगे, स्टोन, प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा ये इंसान पहनते होंगे, ओके। ये एनर्जी मुझे आ रही है, और जब आप इन्हें देखोगे तो आपका भी वही सीन होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया थम सी गई है और मतलब आप किसी और दुनिया में चले गए हो, मतलब एकदम शॉक हो जाओगे, शॉक इन नॉट इन अ बैड वे, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, इज ही रियली माय पार्टनर, ओके, इज ही रियली गोइंग टू बी माय लव, ओके। सो यू विल बी लाइक ओ माय गुडनेस, व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब क्या मैं इतना लकी हूँ या क्या मैं इतनी लकी हूँ, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन आपका होगा, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपको ट्रीट कैसा करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। लाइक इस पर्सन के लिए आप किस हद तक मैटर करोगे, मैटर तो मैंने पहले ही बता दिया था, बट स्टिल लेट्स सी। इस पर्सन के आईज़ ना थोड़े खींचे होंगे, मतलब बड़े होंगे आईज़, बिग आईज़ होंगे, लेकिन थोड़े मतलब जैसे कोरियंस के आईज़ होते हैं लेकिन उनके आईज़ छोटे होते हैं ना, लेकिन आपके पर्सन के बड़े आईज़ होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा यू नो सुंदर आईज़, मतलब बहुत ज़्यादा खींचा हुआ आईज़। अब मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, फुल स्लीव्स ये इंसान बहुत पहनते होंगे। एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस फुल स्लीव्स बहुत पहनते हैं, उन्हें हाफ स्लीव या स्लीवलेस ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है, ठीक है। वी हैव स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, बड़ा नोट से है 10 ऑफ कप्स। गाइस कुछ कहने की ज़रूरत है यहाँ पर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपको इतना प्यार करेंगे गाइस, और सबसे बड़ी बात, प्यार से भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि इंसान आपको थाम कर रखेंगे, ये इंसान आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा मच्योर बनाएंगे, ये इंसान ज़िंदगी में आपको सिखाएंगे कि कैसे पेशेंस रखनी होती है, कैसे यू नो होपफुल रहना होता है, मतलब आपका सारा काम ये बनवाने वाले हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये इंसान पहले खुद उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सोल्यूशन देंगे कि तुम्हें क्या करना है। तो ये इंसान आपके बहुत ही शानदार एक गाइड होंगे, बिकॉज इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे पर्सन होंगे जो आपके हर एक पल में आपके साथ रहेंगे, हर एक चीज़ों को वो आपके अंदर जानना चाहेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वो पहले खुद एक्सपीरियंस करना चाहेंगे जो आपके साथ हो रहा होगा, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपके हैप्पी डेज में, आपके बैड डेज में हमेशा बहुत प्यारी। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर,
मतलब इतना ज़्यादा कंटेनमेंट रहेगा आप दोनों का, आप दोनों के रिश्ते में, कि आप दोनों का कभी भी मन ही नहीं होगा किसी कहीं और डाइवर्ट होने का, कहीं और अट्रैक्टेड हो जाने का, ऐसा होगा ही नहीं कभी, थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा। बोल रही हूँ ना, हमेशा एक पुल फील करोगे एक दूसरे के प्रति, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा। स्पिरिचुअल बॉन्ड है तो मतलब किसी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप दोनों को, आप दोनों इतने ज़्यादा कंपैटिबल रहोगे, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। और ये इंसान एक फैमिली पर्सन है, आपको चाहेंगे तो आपको ही चाहेंगे, फिर उनके दिलो दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे किसी और को भी डेट करना है या मुझे किसी और के साथ भी कनेक्शन में रहना है या you know, मुझे अपनी फिजिकल नीड्स किसी और के साथ निपटानी है। नो, दिस पर्सन विल बी ऑल अबाउट यू, ठीक है, मतलब आपको ही चाहेंगे, आपको ही आपके आपको ही केयर करेंगे और आपको अपने you know, लाइफ के किंग या क्वीन बनाकर रखेंगे, ठीक है, आपके साथ ही सारे सपने सजाएंगे। और आप इनको पाकर पूरी तरीके से खुश होगे, आपके मन में थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं रहेगा कि शायद किसी और को चुन लेते तो अच्छा होता या शायद थोड़ा वेट कर लेते तो अच्छा होता। और आपके लव मैरिज होने के ही चांसेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके लव मैरिज होने के ही चांसेस मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एंजेलिक प्रेजेंस है, तो जो भी होगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंजल्स की ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही होगा। और ये रिश्ता आपके लिए एक बून की तरह होगा, बून मतलब हिंदी में क्या कहते हैं बून को, मतलब लकी 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 कह सकते हो, ठीक है। ये मैरिज आपके लिए बहुत लकी होगा, ये इंसान ही आपके लिए पूरी तरीके से लक लेकर आएगा, ठीक है, या आएगी, ओके। अब देख लेते हैं सेक्सुअल कनेक्शन आप दोनों का कैसा रहेगा, ठीक है। We have the Empress. Oh my God, guys, आप दोनों के मैरिज में जो भी फीमेल होंगी वो डोमिनेटिंग होगी, एंड मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब हाँ डोमिनेटिंग मतलब ओके मैं कार्ड्स निकाल दूँ फिर मैं बताती हूँ। हिंदी में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होता है मुझे, और फिर कमेंट्स आते हैं कि मैम अब हिंदी में बोलो, इंग्लिश में समझ नहीं आता या कुछ है कुछ लोगों का, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग। ओके वेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, ओके। आपका सेक्सुअल कनेक्शन इस तरीके से रहेगा कि आप दोनों के मैरिज में जो भी फीमेल हो, चाहे आप हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो, दे विल बी यू नो दे विल बी लाइक दे विल बी हॉर्नी 24/7, ओके, लाइक दे विल नीड यू, मतलब वो चाहेंगे आपको हमेशा अपने करीब, ठीक है। सो डोमिनेटिंग होने वाली है बेड में जो भी फीमेल होगी आपके मैरिज में, ठीक है, चाहे वो आप हो या आपके फ्यूचर स्पाउस हो, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके हर एक नीड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब जैसा आप बोलोगे वो पूरी तरीके से हाँ में हाँ मिलाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन रहेगा, ठीक है, जो कनेक्टिविटी रहेगी वो बस ऐसा नहीं कि आपका सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, ठीक है, उसमें एक डिवाइन प्रेजेंस रहेगा, ठीक है, जो हर एक सबके सेक्सुअल कनेक्शन में डिवाइन प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो आप दोनों के मैरिज में जब भी आप दोनों इंटीमेट होगे उसमें एक डिवाइन प्रेजेंस रहेगा, ठीक है, वो डेस्टिंड इंटीमेसी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों डिसाइड कर रहे हो मन कर ऐसा हो गया, नो, दैट विल बी डेस्टिंड, ठीक है, डिवाइन प्रेजेंस बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है, कुछ मतलब कुछ है आप दोनों का सोल पर्पस जिसमें आप दोनों की कनेक्टिविटी को बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो सिडक्शन विल बी यू नो अलग ही लेवल पे होगा आप दोनों का जो सिडक्शन लेवल है, ठीक है, मैरिज के बाद। सो यस, डेफिनेटली इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस एंड मज़ेदार, आई कैन से, ओके। एंड यस, एक जन यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल एनर्जी में जो रहेंगी, फेमिनिन एनर्जी में जो रहेंगी, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी एंड उनके अकॉर्डिंगली सारा काम होगा, मतलब वो जो बोलेंगी वैसा होगा, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसके अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ को पूरा करेंगे, आपकी बात बहुत मानेंगे, ठीक है, आपके हर एक डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो अब कुछ डाइस की मदद से देख लेते हैं। ओके, सो इससे मुझे लग रहा है कि इंसान ट्रैवलर हो सकते हैं, घूमने का बहुत शौक हो सकता है, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में जाना, अलग अलग जगहों में जाना, ठीक है, इनको एक्सप्लोर करना, हिस्टोरिक प्लेसेस को बहुत पसंद है, ओके। एंड जहाँ पे ये रहते हैं या वहाँ पर हो सकता है कि ओशन हो, सीज हो, या फिर इस पर्सन को बीचेस, ओशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा एंजेलिक
पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, एंड मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी है कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट बहुत अलग है लोगों से, इनका ग्रूमिंग सेंस बहुत अलग है बाकी लोगों से, ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड ये इंसान आपसे दूर रह सकते हैं, ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत साथ में ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, मतलब आप दोनों को ना, मतलब जब एक दूसरे से मिल जाओगे तो आप दोनों को किसी और की कंपनी की ज़रूरत नहीं, या सो बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, ओके, मतलब किसी और की कंपनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड बहुत सारे विशेष ऐसे हैं जो आप दोनों साथ में मिलकर पूरे करोगे। तो कुछ शाम से भी देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या कुछ एक्स्ट्रा पता करते हैं, फिर टाइमिंग देखेंगे हम। ओके, सो सडन रियलाइजेशन होगा, ठीक है, आप दोनों को, मतलब हो सकता है कि आप दोनों बहुत पहले से कनेक्टेड रहो या फ्रेंड्स रहो या ऐसे ही कभी मिले हो, और बहुत साल बाद या बहुत मन जाकर आप दोनों को सडन क्लिक करे, या सडन आप दोनों की फिर से मुलाकात हो, या सडन कुछ अलग सा फील होने लगे, मतलब पहले नॉर्मल लगे लेकिन फिर अचानक से आपको डिवाइन सा फील होने लगे या इमोशनल फील करने लगो। सो सडन रियलाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से आपका कनेक्शन शुरू होगा, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है, साथ में, मतलब फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे मैरिज के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के चांसेस रहेंगे, मैरिज के पहले भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, सो या बी वेयर, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन, ऐसा पर्सन आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इससे पहले, जितने भी आपके रिलेशनशिप्स वगैरह रहे हो या फेल्ड मैरिजेस रहे हो, ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कनेक्शन होगा। एंड यहाँ पर है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आएंगे, ठीक है, इनके आने के बाद आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आपके घर में बहुत शांति आना शुरू हो जाएगा, अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, किसी भी चीज़ से डील कर रहे हो वो चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड हम देख लेते हैं टाइमिंग कि आपकी मैरिज कब होगी, लेट्स सी। नाइन ऑफ हार्ट्स, आपकी जब विश होगी तब मैरिज आपकी हो जाएगी, दिल से वो विश आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपकी मैरिज आराम से तभी हो जाएगी जब आप सही में दिल से चाह रहे होगे कि हाँ मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब सेटल डाउन होना है, जैसे आप अपने अंदर से पूरी तरीके से फील करने लगोगे यस आई नीड टू मैरी, मुझे शादी करनी है, मुझे सेटल डाउन होना है, उसके बाद से ही आपके शादी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरी तरीके से श्योर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ मन है लेकिन अभी ये चीज़ बाकी है या ये चीज़ करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप विश करोगे तो आपके जो सच में दिल से जो विश आएगी वो आप कभी जब भी आएगी तब आपकी शादी होगी, तो उसमें आपको कुछ मंथ्स के अंदर भी शादी होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक दो साल भी लग सकता है, या फिर अगर आप चाहते हो कि 5-6 साल बात करोगे, 9 साल बात करोगे, 10 साल बात करोगे, सो वो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, डिपेंड करता है दिल से आप कब, मतलब सीरियसली चाह रहे हो कि यस मुझे शादी अभी करनी है, मुझे सेटल डाउन होना है, तो जब दिल से वो आवाज़ आएगी तभी आपके शादी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, योग बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप वन। हेलो पायल नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRUVH है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, और मेरे बाकी दो यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, सेकंड चैनल का नेम है मिस्टर सिजम भाई पूर्वा, थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष, जिसमें आपको अभी तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, साथ में इंस्टा में फेसबुक पेज पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपने चूज़ किया है इनकरेजमेंट कार्ड को, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, और आप दोनों एज अ पावर कपल लोगों के सामने आओगे, मतलब आप दोनों या तो सही में कुछ प्रोफेशनली क्रिएट करोगे या फिर जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे उससे आप बहुत सारे लोगों की एपिटेमी बनने वाले हो, यानी कि एक पावर कपल, ठीक है, मतलब लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे आप दोनों को साथ में देख कर, आप दोनों की तरह बनना चाहेंगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आगे मैं कार्ड्स देखती हूँ तब जाकर और भी ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, मतलब आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, मतलब
वर्शिप कर सकते हो आप. वर्शिप नॉट इन्हें कि पूजा कर रहे हो बैठकर, नहीं, वर्शिप मतलब अंदर इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट कि आपको पता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वाइस है, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ये इंसान जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आपको सलाह देंगे, वो आपके भले के लिए होगा. तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट आपको इस पर्सन के ऊपर रहेगा, अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर. सेम आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आपके ऊपर रहेगा, ठीक है. सो एक परफेक्ट जीवन साथी हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई तोड़ नहीं हो, मतलब जो अटूट रिश्ता हो, ठीक है, 7 जन्मों का रिश्ता एक इनसे. सो चलिए अब हम देख लेते हैं और भी कार्ड्स. सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की पर्सनालिटी देखते हैं कि नेचर वाइज, पर्सनालिटी वाइज कैसे इंसान होंगे. We have Mars. Okay. So इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है बात कर लेते हैं. तो ये जो भी इंसान है यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन, बहुत ज़्यादा गिवर है, ठीक है, लोगों की मदद करना, डोनेट करना, ठीक है, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, लोगों के दुख दर्द को समझना, मतलब एक एम्पैथेटिक क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर, नो मैटर इनका जेंडर क्या है, मतलब लोगों को बहुत समझ सकते हैं, ठीक है, लोगों के भावनाओं को फील कर पाते हैं. कोई सामने वाला अगर पेन में है, कुछ है, तो वो उनको जानते हो ना जानते हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन उनको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझे हेल्प करना है इनको, या इनको समझना है, या फिर इनको कोई सजेशन देना है. आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है. ये इंसान की नेचर में ही ये मतलब पहले से ही ऐसे, ऐसा नहीं हुआ कि मोटिवेट हुए हैं कुछ, ठीक है, जब से ये जन्मे हैं तब से इस तरीके के पर्सन है, जहाँ पे ये लोगों को मदद करना जानते हैं, लोगों को समझना जानते हैं, लोगों को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, गिवर है, हीलर की तरह इंसान है ये, ठीक है. हमेशा इनको ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे खुद से पहले लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है, मैं खुद के बारे में सोचकर क्या करूँगा. सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी आपके पर्सन सेल्फिश नहीं है, ठीक है. अगर इनके पास कुछ होगा भी नहीं ना, तो जितना होगा वो उतना बाकियों को बांट देंगे. ऐसा नहीं देखेंगे कि अगर मैंने बांट दिया तो मेरे पास क्या ही रह जाएगा, ठीक है. तो सेल्फिश बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान दूसरों के लिए जीते हैं ऐसे पर्सन है, ठीक है. बहुत ज़्यादा दिल के नेक इंसान, आई कैन से, ठीक है, मेरे अंदर से इस पर्सन के बारे में जानकर मेरे अंदर से एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट आ रहा है इस पर्सन के लिए. सो आप सोचो आप कितना रिस्पेक्ट करोगे, वो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है. लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है कि देखिए आपके पर्सन की नेचर ऐसा होगा कि जितना ज़रूरी है उतना ही आपको बताएंगे, आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं. लेकिन जो चीज़ उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक है, या जो चीज़ आपको जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है. तो क्लिंगी पर्सन नहीं होंगे कि चिपकना हमेशा, आपको हमेशा मतलब अच्छी बातें बोल रहे हो ना बोल रहे हो लेकिन टेंशन आकर आपको देना, ठीक है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि बहुत समझदार और बहुत समझदारी से काम लेंगे, ठीक है. जहाँ पर उनको ऐसा फील होगा कि आपसे कुछ शेयर करना चाहिए, आपको कुछ बताना चाहिए, आपसे सलाह लेना चाहिए, उस वक्त वो लेंगे. लेकिन उसके अलग से अगर उनका कोई खुद का पर्सनल मैटर है या कुछ है जिसे वो खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको वो नहीं बताएंगे. तो ये इंसान छुपाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही ये बात करते होंगे, उतना ही बताते होंगे. इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है. थोड़े से डोमिनेटिंग साइड पे होंगे, गलत तरीके से नहीं, मतलब इनका बात करने का तरीका ही ऐसा है कि थोड़ा सा आपको फील होगा कि ये इंसान ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे होंगे, ये इंसान का तरीका ही वैसा है, ठीक है. तो थोड़ा सा इस पर्सन को टैकल करना, या थोड़ा सा इस पर्सन से डील करना, थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, ठीक है. क्योंकि ये इंसान भी इमोशनल है, लेकिन इनकी जो व्यक्तित्व है वो इसी तरीके से है कि वो इनकी पिच जो है, स्पीच जो है, बोलने का तरीका वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ज़ोर से बात करते होंगे हमेशा, ठीक है. तो जब कोई नॉर्मल भी बात कर रहे होंगे तो ऐसा फील होगा कि वो शायद चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है. थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, एंड नेचर में ऐसे है कि जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है. कुछ अगर बुरा भी मतलब चल रहा है दिमाग में तो वो मुंह पे बोल देंगे, ठीक है. तो इस तरीके की एनर्जी, थोड़े से डोमिनेटिंग कि मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो थोड़ा ऐसा उनका थोड़ा ऐसा हैबिट रहेगा, ठीक है. तो उससे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है. इनकी नेचर इस तरीके से नज़र आ रही है, पर्सनैलिटी इस तरीके से नज़र आ रही है, लेकिन होंगे बहुत दिल के अच्छे. तो चलिए आउटर अपीयरेंस देखते हैं कि बाहर से कैसे दिखेंगे, ठीक है, या क्या लुक्स है, सब कुछ देखते हैं.
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, वाओ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गुडनेस गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये इंसान आपसे थोड़ा सिमिलर दिख सकते हैं आपकी तरह, मतलब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, 50% के लिए आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से सिमिलर दिख सकते हैं आपकी तरह, मतलब आप दोनों, मतलब अगर कोई आपको नहीं जानता होगा तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि आप लोग शायद रिलेटिव्स हो या कजिन्स हो, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा फेशियल स्ट्रक्चर्स आप दोनों के थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन्स हो या जो भी हो, कुछ लोगों के लिए सिमिलर्स हो सकते हैं। एंड देखिए, ये जो पर्सन है इनकी आउटर अपीयरेंस बहुत ही शानदार है, ठीक है, सुपर सेक्सी, सुपर हॉट, सुपर गुड लुकिंग एंड वॉट नॉट। इनकी आउटर अपीयरेंस इस तरीके से है कि लोग इनको देखकर सोचते हैं कि शायद ये नो कैसन हुआ है, ठीक है, कैसन हुआ, या फिर मतलब लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने ब्यूटी से, अपने आउटर लुक से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनको पसंद है, जिसकी वजह से ये इंसान ना बहुत हो सकता है कि थोड़े से बोल्ड लुक्स में रहते हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रूमिंग है इनका, ड्रेस सेंस इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेस सेंस, आई कैन से गुड लुकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, मतलब मैं क्या बताऊँ, ठीक है। ये इंसान फेमस हो सकते हैं, ये इंसान पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ठीक है, और इनके आउटर अपीयरेंस से इनकी इनका पर्सनैलिटी मैच नहीं करता, ठीक है। अगर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लुक्स, आपके पर्सन की एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल स्ट्रक्चर्स एंड जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, उस तरीके से देखकर लगेगा कि कैसे नोवा है, या इनका तो बहुत सारे लोगों से ये इंसान डेट करते होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि इनका जो आउटर अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से डिसीविंग है, ठीक है, पूरी तरीके से आप उनको मतलब देखकर नहीं समझ पाओगे कि वो इंसान कैसा है, ठीक है, उनसे बात करके भी आप समझ नहीं पाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस पर्सन को सही में जानने के लिए, ये मैं बता दूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा सेक्सी आई कैन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हैं, ठीक है। एंड ये इंसान फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बहुत डार्क, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन, ठीक है। फीमेल होंगी तो बहुत फेयर होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। फिजिक इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, हो सकता है जिम फ्रीक हो सकता है, इनको वर्कआउट करना बहुत पसंद है, मेंटेन डाइट खाना बहुत पसंद है, तो और कुछ लोगों के लिए इंसान फेमस डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कलर्ड हेयर होंगे इस पर्सन के, लॉन्ग हेयर्स होंगे, ठीक है, इस पर्सन के कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कर्ल्स टू स्ट्रेट हेयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे चेंज करते रहते हो, कभी कर्ल्स, कभी स्ट्रेट, कभी कुछ, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ये इंसान ना टायर्ड दिखते हैं, मतलब फेस से ना, मतलब फेस से बहुत सिलेक्टिव दिखते हैं, आई कैन से नशीले दिखते हैं, ठीक है, यस व्हाट आई मीन टू से इज टायर्ड नहीं, मतलब नशीले दिखते हैं, मतलब नॉर्मल भी शक्ल है अगर, ठीक है, मतलब कुछ सोच नहीं रहे हो कुछ भी, तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा नशीला लगेगा इनका फेस, इनका आईज, ठीक है। तो ऐसा इनका मतलब ये नेचुरल है, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है या फिर उनका कुछ कंट्रोल वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इनके हैंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे मुझे नज़र आ रहे हैं, हैंड्स हो सकते हैं कि कुछ करते हो या कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है, कुछ पोशंस बनाते हो या कुछ खुद का कॉस्मेटिक्स कुछ बनाते हो या कुछ बनाते हैं, मुझे लग रहा है कुछ तो करते हैं, कुछ तो बनाते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं या केमिस्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बनाते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, पर जो भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही दिखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं अपने आप को, ट्रीटमेंट्स लेना टाइम टू टाइम ग्रूमिंग करना, ठीक है, हर एक चीज़ अप टू डेट रखना, तो ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। इनके लिप्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, मतलब लिप्स का शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, मतलब छोटा लिप्स होगा लेकिन फुलर लिप्स होगा, ठीक है। एंड ये इंसान मेल होंगे तो इस पर्सन के बियर्ड रहेंगे, बहुत अच्छे खासे बियर्ड, ओके, लाइक फ्रेंच कट एंड ऑल, मुस्टैचे उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बियर्ड इस पर्सन का होगा, ज़्यादा क्लीन शेविंग नहीं होंगे ये, ओके। एंड हाइट इनका टॉल होगा बहुत ज़्यादा, 6 feet अबव अगर मेल है, फीमेल है तो तब भी मुझे ये टॉल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नज़र नहीं आ रही है, ओके। एंड वाटर के साथ इनका अलग लेवल का एक कनेक्टिविटी रहेगा, ठीक है, सो इनकी जो एनर्जी है वो वाटर स्पिरिट एनिमल जो है वाटर का हो सकता है,
बहुत ज़्यादा शार्प फेशियल फीचर्स, नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प, आइज बहुत ज़्यादा शार्प, फेस कट बहुत ज़्यादा शार्प, ठीक है, मतलब भीड़ में भी रहेंगे तो वो चमकते हुए दिख जाएंगे आपको भीड़ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन, ठीक है, एंड मेल होंगे तो बहुत ज़्यादा यू नो मस्कुलर बॉडी, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आईज इनके बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े आईज होंगे, ठीक है, मेल भी होंगे तो इतने बड़े बड़े आईज होंगे कि आप मतलब आपका फर्स्ट अट्रैक्शन इनके आईज के ऊपर ही जाएगा, द सन, नाइन ऑफ कप्स, आप दोनों के मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी रहेगा, ये पर्सन आपसे हमेशा कम्युनिकेट करेंगे कुछ भी चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं होगा कि कभी आपको घोस्ट कर दिया, कभी इग्नोर कर दिया, नहीं, जो भी इनको दिल दिमाग में चलेगा अच्छा बुरा सब कुछ आपसे शेयर करते रहेंगे, हमेशा वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी बनी रहे, जो चीज़ें आप दोनों ने पास में, सो ये हमेशा चाहेंगे क्लैरिटी बना रहे, और जो यू नो लव लाइफ में जो भी फेलियर्स आप दोनों के देखे होंगे वो आप फेस ना करो, या फिर जो भी पर्सनल लाइफ में आप दोनों के पेन रहे होंगे वो आप दोनों एक साथ डील ना करो, वो हमेशा चाहेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस बना रहे और कोई प्रॉब्लम इशू ना हो, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि प्यार हम करते इसीलिए हैं ताकि लाइफ में हैप्पीनेस बना रहे, ताकि हम यू नो जो चीज़ से टैकल कर रहे हैं वो चीज़ ईजी हो जाए, सो आपके पर्सन हमेशा आपके लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, हमेशा क्लैरिटी रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कभी दबाव नहीं बनाएंगे, ठीक है, इक्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे, हमेशा हमेशा चाहेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन में स्पार्क बना रहे, हमेशा आपके विशेष को पूरा करना, आपके डिज़ायर्स को पूरा करना, आपके साथ रहना, जिस तरीके से आप उनको देखना चाहते हो उस तरीके से अपने आप को ढालना, अडॉप्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये इंसान सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस रखना चाहेंगे आपके दिलो दिमाग में, ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते में, तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डेफिनेटली डालेंगे ताकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत हैप्पीनेस रहे, अबंडेंस रहे, और आप दोनों एक दूसरे के पाकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड खुश रहो, कोई भी यहाँ पर यू नो लैग ना कर जाए, कहीं पर भी कोई पेन ना आए, ऐसा ये इंसान जो है ट्राई करेंगे, ओके, सो हम देख लेते हैं कि आपका सेक्सुअल कनेक्शन कैसा होगा, इस इंसान के टैटू हो सकते हैं, ठीक है, हाथ में टैटूज, एंड हो सकता है रिंग्स पहनते हो, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बहुत ज़्यादा धागा वगैरह जो होते हैं ना, धागा वगैरह जो पहनते हैं, ठीक है, कल्चर के अकॉर्डिंग या फिर स्टाइल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है, ज्वेलरीज पहनते हैं, ठीक है, नेकलेस, नेकलेस नहीं, नेकलेस तो फीमेल्स पहनती है, हाँ नेकलेस तो हर एक फीमेल पहनती है, लेकिन मेल का अगर बात करूँ तो वो लाइक चेन्स, पियर्सिंग्स, टैटूज, हैंड्स में उनके टैटूज हो सकते हैं, या फिर हैंड्स में हो सकते हैं कि ब्रेसलेट, ज्वेलरीज, वॉचेस, ये सब बहुत ज़्यादा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा रिंग्स, ठीक है, ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन विल वर्शिप यू गाइस, ओके, यू नो व्हाट आई मीन, एस ऑफ कप्स, ओ माई गुडनेस, सेक्सुअल कनेक्शन बहुत अमेजिंग रहेगा, बिकॉज ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड रहेंगे, ऑब्सेस्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन है घर में, कोई है या नहीं है, कौन देख रहा है नहीं है, दे विल बी लाइक आई जस्ट नीड यू, ओके, सो दे विल नॉट गिव अ डैम अबाउट हूएवर इज सीइंग या वॉचिंग यू पीपल डूइंग समथिंग, ठीक है, सो ये पर्सन मतलब मुझे लग रहा है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब ये आपके साथ रहेंगे तो सारी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसी वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपको वर्शिप करेंगे, मतलब आप उनके लिए मतलब इतने ब्यूटीफुल होने वाले हो, मतलब उनका ध्यान या फिर मतलब पूरा जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगा, ठीक है, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऑब्सेशन ऑब्सेशन रहने वाला है, ठीक है, और ये ना मतलब इनका इनका मतलब एनर्जी ऐसा है कि ये सेंशुअल टच, मतलब इनका लव लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो टच के थ्रू ज़्यादा है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का टच के थ्रू नहीं होता, कुछ कुछ लोगों का होता है गिफ्ट्स देकर, कुछ कुछ लोगों का होता है कि मुंह से एक्सप्रेस कर, कुछ कुछ लोगों का कुछ और तरीका है, लेकिन आपके पर्सन का लव लैंग्वेज है ही यू नो फिजिकल टच, इंटीमेसी, ठीक है, या फिर टच कर एक्सप्रेस करना, तो वो उनका लव लैंग्वेज होगा, सो जब भी उनका मन होगा कि वो आपको एक्सप्रेस करें तो वो आपको मुंह से नहीं बोलेंगे, बल्कि दे विल डू समथिंग विद यू, ओके, टू सेटिस्फाई यू एज वेल एज टू मेक यू फील देयर लव, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ कहने के लिए नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब
बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये इंसान अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आपके मूड के अकॉर्डिंगली चलेंगे और आपको वर्शिप करेंगे, उनके लिए आप द बेस्ट होने वाले हो। एंड ऑल्सो बिकॉज उनका लव लैंग्वेज वो है, तो हमेशा वो चाहेंगे जब भी उनका प्यार करने का मन होगा तो दे विल बी लाइक यू नो लिटिल बिट क्लिंगी टूवर्ड्स यू। ओके सो या सो चलिए अब हम कुछ डाइस से देख लेते हैं, ठीक है, एंड देन चांस वगैरह भी देखेंगे एंड देन देखेंगे कब होगी आपकी शादी। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी इस तरीके से होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट यू नो यू विल ट्राई लाइक कभी वनीला तो कभी BDSM कभी कुछ, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बना रहेगा आप दोनों के मैरिज लाइफ में। अगर मैं कहूँ सेक्सुअली तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा यू नो लाइक डेली डेली या ओके। सो हो सकता है कि आप दोनों का जो स्टार्टिंग हो वो हो सकता है कि चैट्स के थ्रू हो, हाई हेलो व्हाट्सएप डूड ओके ऐसा हो सकता है चांसेस आ दिया, या फिर आप उन्हें कुछ मेल भेजो वर्क मतलब कुछ लिख कर ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये इंसान टीचर वगैरह हो सकता है, इनको आप स्कूल वगैरह में मिल सकते हो, ठीक है, या फिर एज अ कलीग और एज अ सीनियर और एज योर टीचर और प्रोफेसर और समथिंग, या वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान एनिमल लवर हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा फन लविंग भी होंगे ये इंसान, हमेशा मस्ती मजाक करना इस पर्सन को पसंद होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट मतलब जो भी बात करते होंगे तो बहुत एक क्यूटनेस है, हालांकि डोमिनेटिंग होंगे कुछ होंगे लेकिन क्यूटनेस है, मतलब आपको तो वो नज़र आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस पर्सन को वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इस पर्सन को आप डिवाइन टाइमिंग में मिलोगे, मतलब हो सकता है कि पहले मिलो या कुछ हो लेकिन कुछ समझ ना आए, ठीक है, या फिर मिलके जुदा भी हो सकते हो, ठीक है, ब्रेकअप हो सकता है, तो जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में मतलब अचानक से मिल सकते हो, सेरेंडिपिटी काइंड ऑफ कि अचानक से मिल गए और देन यू नो सब कुछ हो गया। एंड अगेन दिस थिंग, तो हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर इससे एनर्जी आ रही है, ये पाइल वन में भी आया था, तो ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों यू नो बहुत टाइम तक साथ रहे थे, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स पास्ट लाइफ पार्टनर्स थे, ठीक है। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन वाला हो, कार्मिक हो, कुछ भी हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन। चलिए चांस देख लेते हैं। वन मोर, यहाँ पे है हमसा। सो देखिए बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग जेलस होंगे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, बहुत सारे लोग मानना नहीं चाहेंगे, बहुत सारे लोग जेलस फील करेंगे आप दोनों के रिश्ते को देखकर, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड होने वाला है, ठीक है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा यू नो पसंद नहीं करेंगे, हेट करेंगे या उनको जेलसी होगी आप दोनों को देखकर, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टू स्वान्स, वाओ लवर्स फॉर लाइफ गाइस, बहुत प्यार, बहुत प्यार आप दोनों का होगा, ठीक है, मतलब मुझे लगता है सच्चा प्यार, एकदम सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, आप दोनों के बीच में कोई कंडीशंस नहीं रहेगी कि पैसा, प्रोफेशन, कुछ और चीज़, सिर्फ प्यार और प्यार, प्यार के बलबूते पे आप दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको इम्पॉसिबल लगे, आपको लगे कि ये सब नहीं होता लाइफ में, होगा आपके साथ होगा, ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन और बहुत 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 प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपको प्यार बहुत करेंगे, आप चाहे करो ना करो डेट्स योर थिंग, बट आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही फोकस रहेंगे, ठीक है, वो आपके अलावा कुछ और देख ही नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। अगेन दो दो हर्ट्स है, ठीक है, बस यूनियन ऑफ लाइफ टाइम, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, यूनियन ऑफ लाइफ टाइम और प्यार ही प्यार एंड प्यार, ठीक है। और यहाँ पे है की, तो मुझे लगता है कि दिल का दरवाज़ा आप इनका खोलोगे, ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम से बंद होगा या फिर इनका विश्वास उठ चुका होगा, लेकिन या तो ये आपका दिल का दरवाज़ा खोलेंगे या फिर आप उनका, ठीक है। देख लेते हैं शादी कब होगी आपकी, मैरिज कब होगी। फोर ऑफ हार्ट्स, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं अभी लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज हो कि किसे चुने किसे नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप शादी करना अभी चाहते हैं तो आपका 4 से 6 महीने के अंदर शादी होने के या एंगेजमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।
ये भी हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो गई है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर्सन से शादी करने का जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट हुई है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है 4 से 6 महीने का वक्त आपको लगेगा शादी के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है, ठीक है। एंड बाकी लोग जो लोग बहुत यंग हो अभी, उनके लिए तो मैं टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, ये टाइमिंग मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग अभी इंटरेस्टेड हो या सोच रहे हो करने का, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।